अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। आज मैं आपको पिशावर के मशहूर चकली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे हैं। तो आप इसके अज्जा नोट कर लीजिए। मैंने लिया है, आप मटन या बीफ कोई सा भी ले सकते हैं, कीमा मैंने मटन लिया है। ये प्याज है दो बड़े साइज की चौक की हुई, इसका मैंने पानी निकाल लिया। ये देखें, इसका ख्याल रखिएगा इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बुरादा जैसे होता है इस तरह हुई भी है। दो मैंने प्याज लिए हैं, ये इसमें ऐड करते हैं। आप ये मैंने दो टमाटर लिए हैं, इनके बीज निकाल लिए थे। देखिए बारीक काटिएगा, इनके बीज आप निकाल लीजिएगा, वो डाल दें आप इसके अंदर। पांच अदद मैंने हरी मिर्चें लिए, सब्ज मिर्च भी कूट लिया है इनको, और ये भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, ये देखिए आप, ये टेबल स्पून, ठीक है। और ये थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने, ये ऐड कर दो। कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो, देखिए इसका ख्याल रखिएगा। सब चीज़ें जो है मैं आपको जिस तरह बता रही हूँ इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। देखिए इसके अंदर ये सब ऐड करने के बाद आप इसके अंदर लेंगे साबुत धनिया, उसे कूट लीजिएगा दरदरा। ये देखिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ भर के, ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लिया है मैंने साबुत धनिया। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। ये है अनारदाना, इसको बारीक थोड़ा कूट लीजिएगा, ऐसे नहीं ऐड कर दीजिएगा, इसको थोड़ा कूट लीजिएगा जैसे ये मैंने कूटा, ठीक है। ये ऐड कर दीजिए, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये मैंने लिए हैं चने बारीक पीस लिए हैं। अगर आप इसके अंदर बेसन डालना चाहें तो बेसन भी डाल सकती है, लेकिन तवे पे थोड़ा भून लीजिएगा, बेसन को थोड़ा भून लीजिएगा। इसमें 2 टेबल स्पून चने या जो बेसन है वो ऐड कर दीजिए, नो इशू। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर लें। और नमक हसबे जायका, जैसा आप पसंद करते हैं, मैंने इतना लिया। अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया और पुदीना, थोड़ा इसको बारीक काट के इसमें ऐड कर ले। आखिर के अंदर आप इसके अंदर डालिएगा अंडा। ये देखें आपने ये सब चीज़ें ऐड कर दी जो मैंने बताई, हरा धनिया पुदीना बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम एक अंडा ऐड कर रहे हैं, ये देखिए एक अंडा ऐड हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चले जी, देखिए मैंने आपके सामने सारा मिक्स कर लिया है, माशाल्लाह इसकी शक्ल देखिए आप, माशाल्लाह। अभी हम बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ना कुछ जो चीज़ें कम लग रही है वो मैं थोड़ी थोड़ी आपके सामने दोबारा ऐड कर रही हूँ। जैसे कि ये मुझे ये कम लग रहा है सूखा धनिया, जो साबुत होता है जो मैंने दरदरा पीसा है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मुझे मिर्च भी कम लग रही है, ये ऐड किए। और ये पिसा गरम मसाला, बस ये ऐड करने के बाद अब मैं आपको इसके कबाब बना के दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कीमा आप देख लें इस तरह से कर लिया है मैंने, पूरा सामान को मिक्स कर दिया, ये बना लिए हैं, ठीक है। अगर आप तवे पे बना बना के डालें ना तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं, बना के ना रखें, ठीक है। और दूसरा ये इसकी शक्ल इस टाइप की होती है, ठीक है, गोल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये मैं 2 चूल्हों के ऊपर बना रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, आप लोग देख लें। थोड़ा गर्म होने दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ तवे पर, ये दोनों जगह एक साथ बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये डाल दीजिए आप इसके अंदर, कोई वो नहीं है, ठीक है जनाब। ये देखें
इधर पीछे करके इधर और डाल दें। ये हल्के हाथ से प्रेस करके ना बिल्कुल इस तरह से आप डालते जाएं दोनों में। और ये देखें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आप इस तरह बना लें, ठीक है। ये इस तरह भी बनते हैं और इस तरह भी बनते हैं कि आप बीच में इसके ये टमाटर लगा दें, ठीक है। इस तरह दोनों ही तरह बनते हैं जी। देखिए माशाल्लाह मटन के मज़ेदार चपली कबाब रेडी हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आप लोग माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं आपके सामने। और ये देखें आप, ये देखें इसकी माशाल्लाह, ठीक है। ये मैंने रायते के साथ के लिए बनाए, रायते से ये अच्छे भी लगते हैं, आगे आपकी मर्जी है जैसे आप खाएं। ये इस तरह भी बनते हैं और बीच में टमाटर लगा के इस तरह भी बनते हैं, ठीक है, जैसा आपका दिल चाहे। लेकिन मैंने इस तरह भी बनाया आपको दिखाने के लिए और इस तरह भी, दोनों तरह के हैं मटन के पेशावरी चपली कबाब। खाइए, टेस्ट करके बताइए किस तरह की रेसिपी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।